कब तक ऐसे बूंद बूंद से सागर बनाएंगे हम भाई? कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक सिंगल सिंगल खेलेंगे? सुन, कुछ ऐसा सोच कि एक साथ बहुत सारे शिकार बने। 30% डिस्काउंट भी देती है, अब और क्या करें? मोबाइल में लगा हुआ है। ओह भाई साहब, ओह फोन में देखते देखते हेयर कट भी करा लो। क्या कर रहे हैं? सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे नहीं, एक दिन ना हम भी काटेल एंड सन्स का एड बनवाएंगे और सबके मोबाइल पे चलाएंगे। रोहतक का नंबर वन सैलून। फटाफट आओ और सेक्सी बन जाओ। कंजे के सर पे भी फसल उगाते हैं हम, जापान से लेके कोरिया तक सारे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं हम। सिर्फ हाथी बाजार के कातेलाल एंड सन्स में, हमारी कोई ब्रांच ना है। अरे तो अभी बना लो ना एड। और वैसे भी मुझसे अच्छा मॉडल कहाँ मिलेगा तुम्हें? क्या बोल रही है सुशीला? तू ही तो कह रही थी नहीं हाँ कि बहुत सारा शिकार करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा है यही रास्ता सही है। नहीं सुन ना, देख But why me? I mean, मैं क्यों? वो इसलिए छोटा हड्डी डॉक्टर प्रमोद, क्योंकि why not? आप अच्छे खासे तो दिखते हो। क्या क्या कह रही थी आप? अच्छे खासे और शक्ति, मेरा मतलब है शक्ति के प्रति आइकन सिंबल, यूथ सिंबल। और क्या हूं मैं? यंग हो, डैशिंग हो, अपने पापा का इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हो, यूथ आइकन बनने के ना सारे गुण है तुम्हें, बस इसे ज्यादा एग्जैक्ट बना आता मुझे। तो बता दो तुम्हारी तरफ से यस है या ना है? एक ग्लास सवाल, तुम क्यों कर रही हो ये? आई मीन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है गुन्नू और सत्तू की दुकान चले या ना चले? वो इसलिए क्योंकि वो अपने नहीं मेरे पापा जी की दुकान चला रहे हैं। दुकान के बाहर रहकर भी वो काटेलाल एंड सन्स ही तो चला रहे हैं। अगर कोई गैर इंसान मेरे पापा जी के लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो मैं उनकी बेटी होके उनकी मदद भी ना कर पा रही। हाँ तो फिर अगला सवाल 7 करोड़ के लिए, क्या आपकी हाँ है या ना? अच्छा हुआ शिशु तू आ गया, पुत्तों को फोन लगा दे। आज अकेला दुकान संभाल रहा है बच्चा, बटन दबाते दबाते मेरी अंगड़ियां दर्द करी, तू लगा फोन। जी भाई साहब। भाई साहब मैं यूं कह रहा था कि वो जो ऊपर का कमरा देखने कॉलेज से प्रोफेसर आने वाला था ना वो। अरे वो क्या कर रहा है? फोन है यार, तो दूसरे को बुला दे, तू पहले पुत्तू को फोन लगा दे। जी भाई साहब। Oh my God, ताऊजी से कैसे बात करूं? मैं बात करता हूँ बाऊजी से। No, no, फिर करे ब्रो, no, 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 ये, फिर करो चाचू। Good, ब्रो, ताऊजी पर ना बहुत स्ट्रेस है और मैं उन पर और स्ट्रेस नहीं देना चाहता। See, तो मैं हैंडल करता हूँ सिचुएशन, okay?
हेलो, यस ताऊ जी। हाँ पुत्तू, कैसे चल रहा है? कितने कस्टमर आए? सामान ले रहा है ना दुकान? यस ताऊ जी। अरे कुछ आगे भी बोलेगा या यस ताऊ जी करता रहेगा? अभी एक कस्टमर आया था ताऊ जी, मैंने ना उसके एकदम हीरो हेयर कट कर दिए। नाउ वेटिंग, दूसरे कस्टमर का वेट कर रहा हूँ। लो जी लो, नया कस्टमर आ गया, मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय बाय बाय। परेशान है पुत्तू, कस्टमर ज्यादा आ रहे दिखे। यूके बम फटेगा अभी। अबे गिफ्ट रैप है तो गिफ्ट होगा ना, खोल तेरे लिए लाया हूं। अरे यार तू तो अगले जन्म में खोलेगा इसे, अब इतना टाइम लगता है क्या? ऐसे बजर, मुझे ना यही चाहिए था, तुम्हें कैसे पता चला? वाओ, अब इससे ना हम वो ये पोज कैसा रहेगा या फिर अबे हजारों रातें कई घंटे जाग के बनाई ये बॉडी, टच करके देखना क्या कल टच करेगा। ऐसे क्यों देखता है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ऐसे वैसे नहीं देख रहा था, वो तो तुम्हारी बॉडी, मेरा मतलब है कि वो मेरे बालों का दुकान है ना, तो कपड़े पहन ले। अजीब लड़का है यार। ओए सुन, बॉडी तुझे पसंद आई ना आई हो ठीक है, गिफ्ट जरूर पसंद कर लियो, बहुत मन से लाया हूं। करीमा दीदी और सुशीला दीदी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है? मुझे सलमान ने बजा के खुद शूटिंग शूटिंग कर लिया। मैं ना रुक रहा फिट करी ब्रो, आई एम सो गोइंग। ना भूतू भैया, ये आप ठीक ना कर रहे हो, आप अपने ताऊ जी और असली काटेलाल एंड सन्स को धोखा दे रहे हो। धोखा है पर चोखा है। यस ना ना बुद्ध भैया, मैं ना जाने दूंगा ना। सही जा रहा है तो एकदम है। तुम ना मिरर पे देखो जी। टेंशन ना लो डॉक्टर साहब, गला काटने का प्रोफेशन ना है हमारा। मैं वो डर नहीं रहा हूं, पर पहली बार कोई और शेव कर रहा है मेरी। एक मिनट रुको, कुछ नहीं रहने दो छोटी सी। अरे यार रुको, अरे का
कम ऑन गाइस यार, थोड़ा रिदम है प्लीज, कोऑपरेट। एक्शन। बनेगा वीडियो। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये नया आइडिया तो नए कस्टमर्स के लिए चोखा है, लेकिन पुराने कस्टमर बेस का क्या करे जो काटेलाल एंड सन्स में आते थे। उनका भी कुछ करना पड़ेगा। रह छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। रह छोरियां कड़क है, दिलों में धड़क है, जल्दी एटीट्यूड में चाहे कैसी भी सड़क। ओ हट जाता हूं पाछे ने, अब छोरियों का टेम है आया। काट के मुझे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। काट के मुझे कतर के दाढ़ी, स्टाइलिश हमने सबको बनाया। मेरे बच्चे में ना टैलेंट कूट कूट के भरा है सच्ची। कट कर भी लेता है और बोल भी लेता है। नहीं जी जी, आज तुम उसके पैर में काला धागा बांध ही दो आप। अरे नौटंकी वाले जमा हो गए सारे के सारे। नौटंकी बना के रख दिया काटेलाल एंड सन्स को। अधरंगा छोरा नाच रहा है वीडियो में, हेयर कटना हुआ धतुरा हो गया, नशे में झूम रहे सारे के सारे। अरे ये तो वही छोरा है ना जो कल आया था डायरी देने। हाँ वही है छोटा अड्डी। और तू मुझे लेना बंद कर दे। क्या क्या सोचा था इसे, यो तो छिछोरा निकला। अब लंदन किसी बेशरम में शरम तो नहीं भर सकता। यो चुन्नी और अवतार को होके गया है।
मैं तो उन्हें ठीक ठाक छोड़ के आया था। काटेलाल एंड सन्स को मिट्टी में मिला के ही दम लेंगे सारे। जीजी, बॉडी तो देखो इसकी, यूं लग रहा है जैसे स्पेशल ऑर्डर देके बनवाया दिखे नहीं ना भाई साहब। मैं यूं कह रही थी कि पुत्तू का दिमाग ना आजकल बिजनेस में लगा हुआ है, तो इसे इश्तेहारी समझ लो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनवाती हैं, हैं? इस अवतार से बात करनी पड़ी। हाँ सिसु बोल। भाई साहब बढ़िया खबर है, वो प्रोफेसर के बारे में बताया था ना मैंने। अरे इस उम्र में कौन सा कोर ज्वाइन कर रहा है, कौन से प्रोफेसर की बात कर रहा है? भाई साहब मैं वो ऊपर वाला कमरा किराए पे देना ना भाई साहब। तो उसके लिए मैंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से बात करी थी, तो वो आज ही आना चाह रहा है अपनी वाइफ के साथ, कमरा देख के तसल्ली कर लेगा। हाँ लिया, वैसे भी ये नए छोरे दुकान बनकर वाकई ही मानेंगे, आमदनी तो अब यही से आती दिखी है। तू लिया, तब तक मैं सब रेडी करवाता हूँ। ठीक है भाई साहब। कुसुम चंचल, तेरा ऊपर वाले कमरे ठीक ठाक कर देना, किराएदार देखने आने वाले हैं। जी ठीक है। जब से घर पे बैठे मेरी जान आफत में डालने के नए नए तरीके निकालते रहते, तारी छोरियों ने उन किराएदार को भगाने का नया आइडिया निकाला भी है कि नहीं? सही कह रहा है यार, इन छोरों ने पूरे हाथी बाजार में रौनक कर दी। मेरे फॉलोवर्स तो बुर्ज खलीफा की तरह बढ़ रहे हैं, एक ही झटके में 720 से 997। वाओ यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है या फिर राइट? आई गेस लेफ्ट। मुझे याद है तूने क्या बोला था, बंदा अगर स्ट्रांग हो तो कोई सी प्रोफाइल अच्छी लगती है। यो शोर शराबे से क्या होगा, किटकॉट के फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी हो रहा है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। पर हमने ये वीडियो बनाया था हमारी दुकान में कस्टमर खींचने के लिए, वो तो दूर दूर तक दिखाई ना दे रहा है। कस्टमर आ रहा है दिखे, ये तो पक्का अपनी दुकान का पता पूछ रहा है। यस, हेयर कटिंग की तो जरूरत ना लग रही, इस नई जनरेशन का पता ना चलता, हो सकता है कोई नई स्टाइलिंग करानी हो। शेव भी तो करवानी हो सकती है। तूने ज्यादा दिखने लग रहा है, दो दिन की दाढ़ी बिना उसकी शक्ल पे। पनीर लेना था जी। यो कालड़ा स्वीट शॉप कहाँ पड़ेगी? यार। ओ भाई साहब, अगली गली में और एक दुकान है, उसका पनीर मुंह में रखते ही घुल जाता है, ट्राई कर लो। बड़ा लंबा है यो, क्या हो गया, डांस ना कर रहे हो? हो गया आप लोगों का के बिल्डर? धर्मपाल भाई, पहले तो ये बता अपना दिमाग गिरवी रख दिया के? अरे उन छोरों की बातों में आके तुम लोग नाच कूद रहे हो सड़कों पे? अरे उम्र तो देख अपनी, कमर लचक गई ना तो जिंदगी भर बिस्तर से उठ ना पाएगा। अरे थाने इनका झूठ दिखन लाग रहा है, पर यो ना दिखन लाग रहा है कि यो छोरा झूठ क्यों बोलन लाग रहा है। अरे भाई कौन सा चश्मा लगाए बैठा आजकल तू? अरे बरसों से तुम्हारे कान खान लग रहा था, मने छोरा चाहिए छोरा चाहिए। अरे मेरे यार ध्यान ते देख, यो छोरे ना है पर मारे छोरा से कम भी ना है। रे औरा रे छोड़, मारा खुद का छोरा मन्ने मुसीबत में डाल के विदेश बैठे है, और एक तू है जिसका भतीजा और उसके दोस्त, भाई थारे ले इतना कुछ करन लाग रहे हैं कि आजकल के जमाने में सगे छोरे भी ना करे, पर थन्ने तो दिखाई देन लाग रहे सिर्फ उनका झूठ। रामपाल फिटकरी तो तेरे साथ कई साल आते, उसने कोई नया आइडिया ना लगा दिया? अरे नए तो छोड़, पुराने कस्टमर भी लेके ना आ सका, ये छोरे नौकर की तरह नहीं अपने बेटों की तरह काम कर रहे हैं, और तू इनको धुतकार रहा है? के बेटा बेटा लगा रखा है, मती मारी गई तुम्हारी। अगर अभी भी मेरी बात समझ में ना आई हो तो कापियां निकालो और लिख लो, मेरा कोई बेटा ना है, काटेलाल एंड सन्स का कोई वारिस ना है। पुट्टू ने चला लिया तो चला लिया, वरना मने मेरी इज्जत बहुत प्यारी है।
अरे हाथ टूटा तो क्या हुआ, कुछ ही दिनों की बात है, ठीक होके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे फर्जी लड़कों का बाप बनने का कोई शौक नहीं मन्ने। मुसीबतों का माउंट एवरेस्ट भी ना हमारे पापा जी के ईगो के सामने छोटा लगेगा। इतना सब कुछ किया इनके लिए, यार जेंडर चेंज करवा लिया। जिस उम्र में हमें डंबल उठाने चाहिए थे, अपनी फिगर मेंटेन करनी चाहिए थी, उस उम्र में हम कैची और उस्तरा उठा रहे, फिर भी पापा जी को अपना वारिस ना मिल रहा। पूरी दुनिया हमारे टैलेंट का ढोल बजा रही है, लेकिन उस नगाड़े की आवाज ना पापा के कानों तक ना पहुंच रही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.